हेलो दोस्तों आप सभी का एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एन में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आगामी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये आर आर स्टेज फर्स्ट अट्ठाईस तीन दो हज़ार को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है जिसमें जी जनरल अवेयरनेस और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज आपका पहला प्रश्न है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है तो भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है इसका राइट आंसर ये होगा और इसके साथ आप याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी न्यूनतम आयु पच्चीस वर्ष होती है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है पाँच वर्षों के लिए किया जाता है चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि कोड़ाक मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो कोक मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था तो इसका राइट आंसर भी होगा इसके साथ आप याद रखिएगा कि कोड़ाक मंदिर उड़ीसा राज्य में है चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो इसका राइट आंसर सी होगा चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है इसके साथ आप याद रखिएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न है? आपका है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे तो जो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे तो इसका राइट आंसर बी होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोश की जीव का उदाहरण है तो एक कोश की जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है इसका राइट आंसर ए होगा प्रोटोजोआ एक कोश की जीव का उदाहरण है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है पेनिसिलिन का जो आविष्कार है एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने किया है तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था तो इसका राइट आंसर बी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश से हुआ है तो इसका राइट आंसर सी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर डी होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है थर्मोस्को कोप का आविष्कार गैलीलियो गैली ने खा, खा किया था तो इसका राइट आंसर ये होगा गैलीलियो गैली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि महाराणा प्रताप से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था तो इसका राइट आंसर बी होगा अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि करम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है जो करोड़म मल्लेश्वरी है भार उठाना अर्थात वेट लिफ्टिंग से संबंधित है इसका राइट आंसर डी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था तो रोलेट एक्ट को 1919 में पारित रेक्ट किया गया था तो इसका राइट आंसर ए होगा तो 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना टेन था तो इसका राइट आंसर बी होगा तो हमारे चंद्रमा का हमारे उब... चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना टेन था चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न है अगला प्रश्न किस किस बक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है द रियल डील इवान होली फील्ड को जाना जाता है तो इसका राइट आंसर सी होगा अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको आप याद रखिएगा तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला खेला, खेला गया था तो इसका राइट आंसर ए होगा अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है तो पाकिस्तान में था रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को वो कहा जाता है तो इसका राइट आंसर बी होगा अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है इसका राइट आंसर होगा सी जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन किया जाता है अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है तो मार्श गैस मिथेन को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों मिथेन गैस को सी एच फोर रासायनिक सूत्र होता है चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स के अक्षर बी किस देश का प्रदर्शित करता है तो जो ब्रिक्स होता है दोस्तों पांच देशों का समूह है बी का मतलब होता है ब्राज़ील आर का मतलब होता है रूस आई का मतलब होता है इंडिया सी का मतलब होता है चाइना यस yes का मतलब होता है साउथ अफ्रीका तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ब्राज़ील अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है तो जो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया है तो इसका राइट आंसर ए होगा अगले प्रश्न की ओर तो चलते हैं अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का आकार कैसा है पृथ्वी का जो आकार है चपटा गोल है तो इसका राइट आंसर डी होगा पृथ्वी का आकार चपटा गोल है और पृथ्वी आप याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है चलिए अगले प्रश्न की ओर तो चलते हैं अगला प्रश्न आपका है कि अरुण आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है तो इसका राइट आंसर डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुण आसफ अली को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है इसके साथ आप याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि मिरानी सारा भाई का हाल ही निधन हो गया वह कौन थी रानी सारा भाई का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय नितांगन थी इसका राइट आंसर सी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि वास्को डी तो गामा भारत, भारत कब तो आया था वास्को डी गामा भारत 19 सॉरी वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था तो इसका राइट आंसर बी होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है तो इसका राइट आंसर बी होगा और इसको याद रखिएगा कि फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उस कौन सा था तो सोलहवा लोकसभा चुनाव हुआ था तो इसका राइट आंसर ए होगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है श्रीलंका में पाया जाता है इसका राइट आंसर बी होगा इसके साथ आप याद रखिएगा जो स्वर्ण मंदिर भारत में पर पाया जाता है तो अमृतसर में पाया जाता है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न आपका है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है तो बौद्ध गुफाओं के लिए का प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित है इसका राइट आंसर ए होगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था तो इसका राइट आंसर सी होगा अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि हमारे हमारे आँखों में लेंस का काम क्या है तो जो हमारे आँख में लेंस होता है उसका मुख्य काम होता है आँख की फोकस दूरी को बदलना होता है तो इसका राइट आंसर सी होगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका राइट आंसर ए होगा इसके साथ आप याद रखिएगा कि टोटल महाद्वीप सात हैं जिसमें से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है तो हैकर से क्या तात्पर्य है तो हैकर से क्या तात्पर्य है इसका राइट आंसर होगा बी हैकर से तात्पर्य वह व्यक्ति जो डेटा आधिकारिक पहुँच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका विश्व रोग दिवस कब मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व क्षय रोग दिवस चौबीस मार्च को मनाया जाता है तो इसको रा, राइट आंसर बी होगा अगले प्रश्न क्यों पढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि, कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर सी होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है तो इसका राइट आंसर सी होगा चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके पैंतीस प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों कल इसका तीन बजे वीडियो आएगा जिसमें आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शेयर सेकंड शिफ्ट कराया जाएगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें थैंक